अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टडी करेंगे। तो आज का टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। बेसिकली मैटर है फोर स्टेट्स, मैटर की फोर स्टेट्स होती हैं, लेकिन जो इस लेवल पे हम डिस्कस करेंगे वो 3 स्टेट्स को डिस्कस करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। ये 4 होती हैं, लेकिन हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को इस लेवल पे डिस्कस करते हैं। सो सॉलिड क्या है? मोस्ट ऑफ मैटर अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी ठोस चीज़ें हैं जिनका स्पेस वॉल्यूम है, शेप है स्पेसिफिक, वो सॉलिड हैं। इसी तरह से लिक्विड लेस हैं, लेस कॉमन है, हर वो चीज़ जो फ़्लो करती है दैट इज़ लिक्विड, बट वो लेस इसलिए हैं क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, तो इस वजह से ये इनकी लिमिट है। और गैस के बारे में भी हम देखेंगे कि ये हमारी इर्द गिर्द सो मौजूद है या नहीं। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है इन द एयर, मोस्ट ऑफ द गैसेस मौजूद हैं, सो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है। फर्दर हम स्टडी करेंगे, फर्स्ट पे हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, क्योंकि गैसेस मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो गैसेस की प्रॉपर्टीज़ हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं वॉल्यूम। तो क्या इसका वॉल्यूम होता है? तो गैस का कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता, नो स्पेसिफिक वॉल्यूम, गैस किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम में एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कि अगर आप एग्जांपल देखें, एक कंटेनर लें, इसमें गैस डाल दें, तो गैस क्या करेगी कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, बबल्स होंगे, वो ऑल ओवर द जो भी कंटेनर है उसमें फैल जाएंगे। तो जो वॉल्यूम होगा कंटेनर का वही गैस का वॉल्यूम होगा। इसी तरह से आप एक और डिफरेंट कंटेनर ले लें जिसका जो है साइज़ डिफरेंट हो, तो उसमें अगर गैस होगी तो भी वो उसी का वॉल्यूम इख्तियार कर लेगी। गैस का कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता कि जो कांस्टेंट रहेगा, वो जब जिस कंटेनर में डालेंगे वो वैसा ही हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ शेप। तो क्या गैसेस की कोई शेप होती है? नो, गैसेस की कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं होती, जिस तरह से वॉल्यूम नहीं होता। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। जैसे आप एक कंटेनर लें, इसमें आप गैस डालें, जब इस कंटेनर में गैस होगी तो गैस क्या करेगी? इस कंटेनर की शेप में ख़ुद को एक्सपेंड कर लेगी। सो गैस की शेप अब क्या हो गई? एक सर्कुलर सिलेंडर में गैस वैसी हो गई। अगर एक आप टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें गैस इंटर करते हैं, तो गैस जो है वो टेस्ट ट्यूब की शेप ले लेगी। सो नो स्पेसिफिक शेप कि जहाँ जिस कंटेनर में, जिस शेप के कंटेनर में दो डिफरेंट कंटेनर्स हैं और इसने जो शेप है कंटेनर की ले ली है। इसी तरह से अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है डेंसिटी। सो डेंसिटी किस तरह की होती है? लो होती है गैसेस की डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। और इसकी एक एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे कि क्या मतलब है इस चीज़ का कि लो डेंसिटी है। एक कंटेनर हो, उसमें आपने डाले हैं रिएक्टेंट्स, सो आपके पास प्रोडक्ट्स आएंगी, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है क्योंकि रिएक्टेंट हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किए। तो प्रोडक्ट अगर लिक्विड है तो हो सकता है कोई बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो और वो बाय प्रोडक्ट गैस हो। क्योंकि गैस की डेंसिटी लो होती है तो गैस बबल्स जब बनेंगे तो वो क्या करेंगे? वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे, सो वो नीचे की तरफ नहीं रहेंगे। जिसकी डेंसिटी हाई होती है वो नीचे की तरफ कंटेनर में रहता है, तो इसलिए लो डेंसिटीज़ वाली गैसेस ऊपर
मूव कर जाएंगी कंटेनर में। उसके बाद हम देखते हैं डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन कि ये प्रॉपर्टी किस तरह से गैसेस से रिलेट कर रही है। तो ये दोनों फिनोमेना होते हैं गैसेस के केस में। डिफ्यूजन और इफ्यूजन दो डिफरेंट फिनोमेना हैं। डिफ्यूजन में क्या होता है कि गैस मूव करती है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, जबकि ये मूवमेंट होती है गैस मॉलिक्यूल्स की हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। और ऑन द अदर हैंड इफ्यूजन की हम अगर देखें तो इफ्यूजन क्या है, द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कह लें थ्रू ए होल। सो ये दो डिफरेंट फिनोमेना है, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं गैस के अंदर। ये गैस की एक प्रॉपर्टी है कि वो दोनों तरह से बिहेव करती है बिकॉज ऑफ मूवमेंट। उसके बाद गैसेस का देखते हैं, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड सो यस दे कैन कंप्रेस बिकॉज गैसेस जो है लार्ज वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम गैस को जब कंप्रेस करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक पिस्टन लगा दें सॉरी इस पिस्टन पे अगर अप्लाई करें प्रेशर, इसको पिस्टन नीचे मूव करेगा। तो जब पिस्टन नीचे मूव करेगा तो ये जो ऊपर वाले सारे मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, ये सारे नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे। सो गैस हो गई कंप्रेस। तो ये फिनोमेना, ये प्रॉपर्टी भी गैस में एग्जिस्ट करती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सो वो है एक्सपेंड। डू गैसेस एक्सपेंड? यस, गैसेस एक्सपेंड करती हैं। किस तरह से करती हैं वो हम देखेंगे। और इनमें होती क्या है, सडन एक्सपेंशन अगर हो, गैसेस एक्सपेंड भी करती हैं और अगर उनमें हो सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस इज कॉल्ड और इज़ नोन एज जॉल थॉम्सन इफेक्ट। तो सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस को हम कहते हैं जॉल थॉम्सन इफेक्ट। गैसेस में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सडनली एक्सपेंड करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रेशर। सो क्या प्रेशर एग्जर्ट करती हैं गैसेस? सो यस, गैसेस जो हैं वो प्रेशर एग्जर्ट करती हैं। किस तरह से करती हैं और क्यों करती हैं गैसेस एग्जर्ट प्रेशर, किस तरह से करती हैं और क्यों करती हैं, ये दोनों चीज़ें हम अभी देखेंगे। ये जो प्रेशर एग्जर्ट करती है गैस वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे करती है। इससे हमें पता चलता है कि गैसेस में प्रेशर एग्जर्ट करने की प्रॉपर्टी है। जैसे कि ये मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, तो ये मूव करते हैं कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कांस्टेंट मोशन में होते हैं, कभी इस डायरेक्शन में। तो ये प्रॉबेबली, मोस्ट प्रॉबेबली ये वॉल्स के साथ टकराएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 2D सिलेंडर है। अगर 3D में देखें तो वो ऑल ओवर जो बाउंड्री होती है वो वॉल्स ही होती हैं कंटेनर की। तो ये कोलाइड करती हैं वॉल्स के साथ। सो अगर लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन्स होगा तो क्या होगा, विल काज मोर प्रेशर। सो द प्रेशर इज़ डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स